नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार को लेकर बड़ी बात कही। के पाठक लगातार शिक्षकों से मिल रहे हैं, जो बीपीएससी द्वारा चयनित नए शिक्षक हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हैं, और इसी कड़ी में आपने लगातार जो तस्वीरें देखी हैं लाइव सिटीज पर, कल रात की हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, उसके बाद सीतामढ़ी पहुंचे थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के सामने ही के पाठक ने बिहार सरकार को लेकर, यानी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या बड़ी बातें कही हैं, जरा सुन लीजिए। पहला जॉब है, पहले कभी नौकरी, अच्छा सारे प्रेशर है, अच्छा वाह, तो इतना रोजगार भी क्रिएट हो गया है। जोरदार ताली मिल चाहिए। रोजगार तो खैर राज्य सरकार का स्टेटेड पॉलिसी है, और मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं यहाँ पे पुरुषों से ज्यादा ही, तो ये तो राज्य सरकार की नीति है, 50% तो रिजर्वेशन है, और उसके ऊपर आप मेरिट में आ गई होंगे तो आप लोग ज़्यादा है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है 75% महिलाएं होंगी, 25% ही पुरुष दिख रहे हैं। तो अब माइनॉरिटी का डेफिनेशन अब मतलब बदल गया है कि जैसे महिलाएं अब ज़्यादा हो गई हैं और अब आप पुरुष लोग कम हो गए हैं, लेकिन ये स्टेट सरकार की पॉलिसी थी, स्टेटेड पॉलिसी है, और सरकार का ही था कि रोजगार सृजन तो हो, लेकिन सर हमारी पहली प्रायोरिटी है पढ़ाई, तो इसलिए अब आपकी काउंसलिंग हो गई। हमारा काम है कि अब आपको 15 दिन के अंदर विद्यालय पर स्थापन कर देंगे, आपको विद्यालय में भेज दिया जाएगा, पढ़ाना शुरू करिए। आपने सब डीएलएड किया हुआ है, ठीक है, अच्छा बीएड वाले, 9th 10th वाले, 6 to 8 एंड 9th 10th वाले भी, ठीक है, वही हैं ज़्यादातर, तो प्राइमरी तो अभी आया नहीं होगा, ठीक, तो अच्छी बात है, तो सबने बीएड किया है। बीएड के अलावा किसी की कोई डिग्री है इंजीनियरिंग की या कहीं की, एमएड है, पीएचडी कितने हैं, चल रहा है बीएड, पीएचडी है, कोई इंजीनियर वगैरह भी है, अच्छा एक तो है इंजीनियर, वाह चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए तरह तरह से नया टैलेंट आता है सिस्टम में, जब फ्रेश ब्लड आता है तो जाहिर है रिस्पॉन्स अच्छा आता है, यंग ब्लड आता है, युवा वर्ग आता है, तो अब मुझे देख के खुशी हो रही कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आई हैं। राज्य की तो स्टेटेड पॉलिसी है सरकार की कि महिलाओं को हम लोग ज़्यादा 50% आरक्षण शायद देश में बहुत कम राज्यों में होगा, यहाँ पर तो आपके यहाँ 35% है, प्राइमरी में 50% है, फिर भी देखिए यहाँ पे जहाँ 35% है उसमें भी महिलाएं आगे आ गई, तो पुरुषों का थोड़ा सा रेशो खराब हो गया है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हम हमारे राज्य सरकार की जो नीति है उस हिसाब से नतीजा भी सामने आ रहा है। तो मेरा ये अनुरोध, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने तुरंत योगदान कर लिया है, तुरंत पद स्थापन भी हो जाएगा विद्यालय में, इतनी तेजी से काम और कहीं नहीं होता है, रिजल्ट निकलता है पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं काउंसलिंग में, और रिजल्ट कभी निकला, काउंसलिंग कभी हुई, अपॉइंटमेंट कब हुआ, 6 महीना तो उसी में लग जाता है, पहली तनख्वाह आते आते उसके बाद 6 महीना लग जाता है। तो सुना आपने, के पाठक तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां इस तरीके से शिक्षकों की बहाली हो रही है, या इस तरीके से उन्हें पेमेंट वगैरह सब कुछ की बातें वो कर रहे थे कि पेमेंट दिया जा रहा है, और पेमेंट को लेकर भी उन्होंने आश्वस्त किया शिक्षकों को और साफ कहा कि जो सरकार है वो पहले से ही कमिटेड है कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और इसी कड़ी में जो है सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की और शिक्षकों को आश्वस्त किया कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, बिहार में जो काम सरकार कर रही है बहाली को लेकर, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर, उस दिशा में के पाठक खुश नजर आए। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।